महाभारत की कथा धारावाहिक 4 नीति विशेषांक कथा 10 अहिंसा धर्म। प्राचीन काल की बात है, द्युमत्सेन नामक एक राजा था। उसका पुत्र सत्यवान बड़ा दयालु और बुद्धिमान था। वह अहिंसा का पुजारी भी था। एक दिन की बात है, सत्यवान ने देखा कि उसके पिता की आज्ञा पर अनेक अपराधियों को वध हेतु ले जाया जा रहा था। उसे बड़ा कष्ट हुआ। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, इसमें संदेह नहीं कि कभी अधर्म जैसा दिखाई देने वाला कार्य भी धर्म हो जाता है तथा कभी धर्म जैसा प्रतीत होने वाला कार्य भी अधर्म हो जाता है। तथापि किसी का भी प्राण लेना धर्म नहीं हो सकता, चाहे वह अपराधी ही क्यों न हो। बेटे की बात सुनकर पिता समझ गया कि पुत्र मोह में फंसा है। उसने कहा, बेटे, अपराधी का वध करना अधर्म नहीं है, यह कलयुग है। यहां सभी दूसरे की संपत्ति हड़पना चाहते हैं, दूसरे को कष्ट पहुंचाकर स्वयं के सुख की कामना करते हैं। उन्हें उचित मार्ग पर लाने के लिए दंड का मार्ग अपनाना ही पड़ता है, यही लोक हित में है। यदि तुम्हारे पास दंड के सिवा भी कोई उपाय हो तो उसे बताओ। पिता की बात सुनकर सत्यवान ने कहा, पिताजी, चाहे कोई भी मार्ग हम अपना लें, किंतु किसी भी परिस्थिति में प्राण दंड अंतिम उपाय ही होना चाहिए। आप विचार करें कि जब किसी का वध होता है तब उसके साथ अनेक निरपराध भी काल का ग्रास बन जाते हैं। तात्पर्य यह है कि उसके माता पिता, उसकी पत्नी, उसके बच्चे सभी दुख झेलते हैं, जबकि उनका कोई दोष नहीं होता। वस्तुतः ऐसे अपराधियों को सुधरने का अवसर अवश्य देना चाहिए। अनेक बार सत्संग से उन्हें सुधरते देखा गया है। यदि कोई बार बार अपराध करे तभी उसे दंड देना चाहिए, अन्यथा नहीं। द्युमत्सेन को प्रतीत हुआ कि पुत्र को वास्तविकता की जानकारी कम है, अतः उन्होंने कहा, बेटे, प्रजा को धर्म की मर्यादा के भीतर रखना राजा का कर्तव्य है। यदि लुटेरों का वध न किया गया तो वे प्रजा को कष्ट पहुंचाते हैं। जो बातें तुमने कही वे पहले के लोगों के लिए उचित थी, क्योंकि तब उनके स्वभाव कोमल हुआ करते थे। वे सत्य में रुचि रखते थे, उनमें क्रोध एवं द्रोह की मात्रा कम थी। अब अपराधी प्रवृत्ति बढ़ने लगी है। पहले जुर्माने का दंड देकर उन्हें उचित मार्ग पर लाने का नियम था, क्योंकि वे मात्र भटके पथिक थे, किंतु अब सब कुछ सुनियोजित है। अपराध करने वाला अपनी प्रवृत्ति के कारण अपराधी है, वह अपने मार्ग से हटने को तैयार नहीं। अतः वध का दंड ही उनके लिए कहा गया है, ताकि अन्य उनके मार्ग का अनुसरण न करें। जो लुटेरे मरघट में जाकर मुर्दे के भी जेवर उतार लेते हैं, उनसे क्या अपेक्षा की जा सकती है? भला उन्हें किस प्रकार उचित मार्ग पर लाया जा सकता है? उन पर विश्वास करना तो मूर्खता ही होगी। पिता की व्यावहारिक बातें सुनने के बाद भी सत्यवान अपने विचारों से डिगा नहीं, क्योंकि उसके विचार से हिंसा से किसी समस्या का समाधान उचित न था। उसने कहा, पिताजी, यदि आप वध के अलावा उन्हें सत्पुरुष बनाने में असफल हैं तो आपको वैकल्पिक मार्गों को खोजना चाहिए। श्रेष्ठ राजा वही होते हैं जो अपराधियों के बिना प्राण लिए ही उन्हें सतमार्ग पर लेकर चलते हैं। यदि स्वयं राजा का उत्तम आचरण होता है तो प्रजा भी उन्हीं का अनुसरण करती है। पिताजी, एक ब्राह्मण ने मुझसे कहा था कि सत्य युग में जब धर्म अपने चारों चरणों से उपलब्ध रहता है तब एक राजा को अहिंसामय दंड का विधान ही करना चाहिए। त्रेता युग आ जाने पर
धर्म एक चौथाई कम हो जाता है, तब अर्थदंड का विधान होना चाहिए। अभी तो कलयुग है, इसमें धर्म का चतुर्थ भाग ही शेष रह जाता है। तब इस समय मनुष्यों की आयु, शक्ति एवं काल का विचार करके ही दंड का विधान करना चाहिए। स्वयं भुव मनु ने जीवों पर अनुग्रह करके बताया था कि मनुष्य को कभी भी अहिंसामय धर्म का ही पालन करना चाहिए, चाहे कोई भी युग हो। इसका कारण यह है कि यदि वह सत्य स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है तो उसके फल की प्राप्ति अहिंसा धर्म से ही संभव है। इस प्रकार की समुचित व्याख्या सुनकर द्युमत सेन ने अपने बेटे की बात को समझा और फिर उसने कहा, सत्य कहा तुमने पुत्र, जीवन लेने का अधिकार मनुष्य को नहीं है, तब चाहे वह अपराधी ही क्यों ना हो, दंड आवश्यक है, क्योंकि अपराधियों को भय होना चाहिए, किंतु अहिंसा पूर्ण मार्ग से श्रेष्ठ कोई मार्ग नहीं हो सकता। सदव्यवहार से ही प्रजा पर अधिक समय तक शासन किया जा सकता है। अहिंसा का मार्ग सर्वोत्तम कहा गया है, यह सामाजिक जीवन हेतु आवश्यक माना गया है। जब तक आवश्यक न हो जाए, प्राण दंड से बचना ही श्रेष्ठ माना गया है।